में आपके साथ सारा खान, आप देख रहे हैं अराइव 24 टीवी। अराइव 24 टीवी पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की खास न्यूज। तो क्या है आज की खास न्यूज, तो चलते हैं सारा खान के साथ। रश्मिका मंदाना एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 कोडागु कर्नाटक के एक मध्य वर्ग के परिवार में हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से की थी। रश्मिका मंदाना को कर्नाटक में कर्नाटक क्रश कहकर बुलाया जाता था, पर अब उन्हें लोग नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के रूप में जानने लगे हैं। रश्मिका दक्षिण भारत की एक सफल अभिनेत्री साबित हुई है जिनकी फिल्म बहुत कम समय में 100 करोड़ तक की कमाई कर चुकी थी। रश्मिका मंदाना कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। रश्मिका मंदाना ने अपनी स्कूली शिक्षा कूर्ग पब्लिक स्कूल कोडगु से पूरी की और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में दाखिला ली। मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में डिग्री रेम्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से हासिल की। रश्मिका मंदाना की टैटू का अर्थ इरिप्लेसेबल यानी कि स्थिर, बेबदल या सदा एक जैसा। रश्मिका मंदाना ने अपनी दाई हाथ में एक टैटू बनाया हुआ है जिस पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है इरिप्लेसेबल, और रश्मिका कन्नाडा के इस टैटू का हिंदी में 2-3 अर्थ निकलते हैं, स्थिर, बेबदल या सदा एक जैसा। शायद रश्मिका दुनिया को इस टैटू के अनुसार ये बताना चाहती हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में वो स्थिर व सदा एक जैसा रहना पसंद करती हैं, या फिर उसका अर्थ ये भी निकलता है कि रश्मिका मंदाना की जगह और कोई नहीं ले सकता। रश्मिका मंदाना ने साल 2012 में मॉडलिंग शुरू की और उन्होंने उसी वर्ष क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया का खिताब जीता और उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर उन्हें 2013 के टॉप मॉडल हंट में टीवीसी का खिताब मिला। प्रतियोगिता से उनकी ली गई तस्वीरों ने फिल्म किरिक पार्टी के निर्माताओं को प्रभावित किया जिसमें उन्होंने 2014 की शुरुआत में उन्हें फिल्म के अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया। यह फिल्म कॉलेज स्टूडेंट पर आधारित थी और उसके लिए रश्मिका से अच्छा विकल्प नहीं था। रश्मिका मंदाना के हस्बैंड के बारे में जब जानना चाहते हैं तो रश्मिका मंदाना के पति बनने वाले थे रितेश शेट्टी, पर रिश्ता टूट गया। ये उस दिन की बात है जब रश्मिका मंदाना को साल 2016 में उनकी पहली फिल्म किरिक पार्टी के लिए चुना गया था और इसी दौरान वो रशीद शेट्टी से मिली जो उनके साथ इस फिल्म में अभिनेता के तौर पर रोल कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान ही रश्मिका और रशीद में नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने 3 जुलाई 2017 को अपने गृह नगर विराजपेट में सगाई कर ली और सितंबर 2018 में उन्होंने आपसी समझ की समस्या के कारण रिश्ता तोड़ दिया। अब 2020 में रश्मिका फिर से रिश्ते में है। उनका अनुपमा परमेश्वर के बॉयफ्रेंड चिरंजीव मकवाना के साथ अफेयर है जो फिल्म निर्देशक और निर्माता है। ये जानकारी imdb.com से मिली है। रश्मिका मंदाना के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके पिता का नाम मंदन मंदाना, माँ का नाम सुमन मंदाना और एक बहन सुमन मंदाना है। साउथ इंडस्ट्री मूवी रश्मिका मंदाना की उनकी अधिकतर फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है जिसे फिल्म नाम के साथ हिंदी डब्ड टाइप कर ढूंढा जा सकता है। रश्मिका मंदाना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किरिक पार्टी फिल्म से की थी और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई। तब रश्मिका की उम्र 20 साल की थी। ये एक लव स्टोरी फिल्म थी जो कि कॉलेज के कैंपस में निर्देशित ऋषभ शेट्टी द्वारा फिल्माया गया था। किरिक पार्टी फिल्म की बजट 4 करोड़ का था और ये फिल्म 5 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म पूरे समय में सबसे अच्छे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई और 15 से अधिक सिनेमाघरों में 250 दिन और मल्टीप्लेक्स में 365 दिन भी पूरी हुई। ये फिल्म की सफलता को देख इसे 2018 में किराक पार्टी नाम से तेलुगु में रिमेक किया गया। रश्मिका मंदाना बादशाह और युवन शंकर राजा के संग टॉप ट्रूकर सॉन्ग में भी आ चुकी है जो 12 फरवरी 2021 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस तरह उनकी पहली झलक हिंदी फिल्म उद्योग में उनके आने का पूर्ण अनुमान है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये न्यूज? अगर अच्छी लगी है आपको ये न्यूज तो बने रहिए अराइव 24 टीवी के साथ। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ खास। तब तक के लिए देखते रहिए अराइव 24 टीवी। बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए।